हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल, आई एम डूइंग ग्रेट। दिस इज अ वॉन्डर जे। तो भाई एक नई वीडियो फिर से लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए, जो कि है कंपैरिजन वीडियो बिटवीन जाओ 42FJ और हंटर 350 को लेके। तो दोनों ही बाइक्स हमारे पास अवेलेबल है भाई, तो एक साथ इनकी बात कर लेंगे। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी भाई, जो कि है डिटेल वीडियो जिसका रिव्यू भी किया था हमने एक जावा 42FJ का, तो वो अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मिल जाएगा। और अब मैं इसमें एक बार फिर से डिटेल तो नहीं होगी बिल्कुल, लेकिन हाँ स्पेसिफिकेशंस आपको सारे बता दूंगा और जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक वीडियो। तो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से और पीछे जाएंगे, एक साथ सारी चीज़ें कवर करेंगे दोनों को लेके। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडलाइट सेटअप की। तो भाई एक में जो है जावा 42FJ, इसमें मिल जाता है हमें LED सेटअप, जिसमें हेडलाइट भी LED आती है और इंडिकेटर्स भी इसके LED आते हैं। जाकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हंटर 350 है उसमें एक हेलोजन सेटअप मिलता है, यहाँ पे हेलोजन इसके आपको हेडलाइट मिल जाएगा और इंडिकेटर्स इसके आपको LEDs मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की। दोनों के ही सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं, जैसे कि देख पा रहे हो दोनों के ही सस्पेंशन सेम है। बात कर लेते हैं इनकी डिस्क की। तो इनके डिस्क साइज जो है हंटर जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो एक 300mm का डिस्क है, जिसमें बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं। वहीं जो हमारी जावा 42FJ है वो हमें 320mm का डिस्क प्रोवाइड करती है, जिसमें सेम बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं, जिससे ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। यहाँ पे एक बार एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो जो इसमें होल्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से भाई ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है और इसको कूलिंग में भी ईजिली रहता है। यहाँ पे जो कि हंटर में थोड़े कम हैं होल्स, जिसकी वजह से थोड़ी ये जल्दी गर्म हो जाएगी और इसमें कूल नहीं हो पाएगी। अब बात कर लेते हैं भाई इसके फ्यूल टैंक की। तो हमारा जो जावा 42, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इसमें आता है 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक और जो हमारी हंटर 350 है उसमें आता है 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक। तो भाई यहाँ पे फ्यूल टैंक बड़ा होना चाहिए था, जो कि मैंने पहले भी बताया था, लेकिन ठीक है अब 1 लीटर कम है तो भाई उसे काउंट करा जाएगा। और इसमें वही सेम टैंक आता है जो कि BSA Goldstar 650 में आ रहा है, सेम वही टैंक है। बात कर लेते हैं अब इसके इंजन्स की, दोनों के इंजन्स की भी बात कर लेते हैं। तो भाई ये है हमारी जावा 42FJ, इसमें आ जाता है 334cc का लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 28 BHP ऑफ पावर और 29 Nm ऑफ टॉर्क। वहीं पे जो हमारा हंटर 350 है वहाँ पे मिल जाता है आपको 349cc का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20 BHP ऑफ पावर और 27 Nm ऑफ टॉर्क। जो कि देख सकते हो भाई उसके cc's कम है, लेकिन उसकी जो पावर्स हैं वो ज़्यादा है हमारी हंटर से, और दोनों ही 350 सेगमेंट्स में आ जाती हैं। बात कर लेते हैं इसके गियर सिस्टम की। तो भाई एक है हमारा 5-speed मैनुअल, जो कि हंटर 350 में आ जाता है, और एक हमारा जावा है जिसमें 6-speed मैनुअल है, जिसमें 6-speed गियर बॉक्स मिल जाता है। गियर सब की बात कर लूँ तो भाई जावा 42 में आपको 1 down 5 up गियर शिफ्ट मिल जाएगा, वहीं 350 की बात कर लूँ तो उसमें 1 down 4 up गियर शिफ्ट आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी क्लच की। तो भाई जो हमारी हंटर 350 है उसमें मिल जाता है वेट मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम, वहीं जो हमारी जावा 42 जो नई आई है उसमें मिल जाता है असिस्ट स्लिपर क्लच, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्मूथ रहता है, तो गियर शिफ्ट करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी उसमें, तो ये इसलिए बनाई गई है। और बात कर लेते हैं अब इसकी सीट हाइट्स की। तो भाई दोनों की ही सीट हाइट 800mm है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेरे को लगता है हंटर में कम होगी। बेसिकली अभी जो इसमें सीट लगी हुई है वो एक टूरिंग सीट है, लेकिन हाँ जो दोनों की मेरे को लगता है जो इसकी जो इसकी स्टॉक सीट आती है, हाँ तो जो कि हंटर में जो स्टॉक सीट आती है वो कहीं ना कहीं 790mm की होगी, वहीं जो उसकी स्टॉक सीट है वो है 800mm की, तो उससे थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। एक बार मैं आपको दोनों बाइक्स पे बैठ के दिखा देता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है। तो जैसे कि ये है हमारी जावा 42FJ, तो इसकी 800mm की सीट हाइट है, उसमें आप देख सकते हो मेरे पैर बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैंड है, और जो शॉर्ट राइडर्स होंगे उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, हो सकता है उनका पैर थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि यहाँ पे जो इसका ये सिस्टम दिया गया है इसकी वजह से पैर थोड़ा चौड़ा हो जाता है। मेरा अभी फ़िलहाल बिल्कुल सही आ रहा है, ताकि मेरी हाइट कहीं ना कहीं 5'11" है, तो देख सकते हो मेरा फुल आ रहा है। कहीं ना कहीं जो शॉर्ट राइडर्स होंगे जैसे 5'5", 5'6" वाले, उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, वो थोड़ा पैर उचकाएंगे, तो यही है। और एक बार मैं आपको यही चीज़ हंटर पर भी दिखा देता हूँ, जिसकी सीट हाइट थोड़ी कम है, तो उसमें मेरा बैंड और ज़्यादा होगा। तो भाई इधर से आगे दिखाओगे तो जैसे कि अभी आपने वहाँ पे देखा होगा, तो भाई वहाँ मेरा बैंड जो था वो कम था, सेम है सेम सीट हाइट है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होगा 10mm का। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा बैंड बहुत ज़्यादा है, और ये ऑलरेडी बहुत शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत ही सही बाइक है, इसे आप प्रेफर कर सकते हो कहीं ना कहीं। भाई बात कर लेते हैं अब इन दोनों बाइक्स के वेट की। तो भाई जो हमारी हंटर 350 आती है उसका वेट कहीं ना कहीं 181 kgs है, वहीं जो हमारी जावा 42FJ आती है उसका वेट कहीं ना कहीं 194.6 kgs के अप्रॉक्स होगा। लेकिन हाँ ऑलरेडी उसमें वेट ज़्यादा ही है, लेकिन अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूँ उसमें भाई cc's कम है, पावर बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो इससे अच्छा परफॉर्म करेगा। वो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है जो कि परफॉर्मेंस के लिए ही बनाया गया है और बहुत अच्छा बनाया गया है। वहीं अगर आपको
अगर ये सिटी में राइड करनी है तो भाई जो इसका वेट मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा और चला सकते हो सिटी में। भाई अब बात कर लेते हैं इसके पीछे के ब्रेक सिस्टम्स की। तो भाई पीछे एक भाई जो पीछे का जो हमारा अलॉय है वो है 17 इंचेस का, और यहाँ पे जो ब्रेक डिस्क आप देख सकते हो वो है कहीं ना कहीं एक 270 mm की डिस्क दी गई है। वहीं जो हमारी जावा 42 FJ है, अगर उस साइड से आके दिखाऊँ आपको, तो भाई इसमें भी सेम वही 17 इंचेस का एलॉय दिया गया है विद ट्यूबलेस व्हील, बट इसमें जो डिस्क साइज़ है वो कम है, वो कहीं ना कहीं 240 mm है, और जो थोड़ा छोटा है लेकिन थोड़ा ठीक है। अगर मैं उसकी ब्रेकिंग की बात करूँ तो भाई मैंने इसे चलाया है, इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, उससे तो काफ़ी ही बेटर है। तो अब बात कर लेता हूँ पीछे के इसके टेल लाइट सेटअप की। तो भाई इसमें सेम वही LED सेटअप्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो टेल लाइट है वो भी LED मिल जाएगी, इंडिकेटर्स भी हैं जो कि LED ही दिए गए हैं। बात कर लेता हूँ इधर आके अगर 100-350 में जो इसका जो अलॉय वाले मॉडल्स हैं, जो उसके थोड़े मिड रेंज मॉडल्स हैं, लोअर मॉडल बेस मॉडल की बात नहीं करूँगा, जो ये मॉडल अभी हमारे पास खड़ा है, तो इसमें जो सेटअप दिया गया है वो भी LED ही दिया गया है, LED टेल लाइट है, LED हेडलैम्प्स है। तो भाई बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं इसके जो रियर सस्पेंशन है, तो रियर सस्पेंशन दोनों ही बाइक्स में सेम है, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर विद 6-स्टेप प्रीलोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 100-350 में। वहीं सेम अगर FJ में चलेंगे तो FJ में भी आपको वही ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये है इसमें भी सेम वही ट्विन शॉक एब्जॉर्बर आ जाता है वहीं पे। ये एडजस्टेबल अभी है या नहीं मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं पता लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एडजस्टेबल है। 6-स्टेप है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एडजस्टेबल तो ये भी है। बात कर लेता हूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। तो भाई इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस है 178 mm का, कहीं वहीं हंटर पे अगर देखोगे तो वहाँ पे आ जाता है 150 mm का। तो भाई वो थोड़ी सी कम है, वो अगर आप कोई हाई ब्रेकर्स आ गया, कोई नीचे से ज़्यादा बहुत नीचे है अगर वो बाइक, तो कोई चीज़ अगर उस पर लड़ती है तो वो इम्पेक्ट करेगी इंजन पर। वहीं थोड़ा सा इसमें एडवांटेज है, थोड़ा ऊपर है इसका, और इसका इंजन थोड़ा ऊपर है जिसकी वजह से अगर कोई चीज़ नीचे भी आती है तो ये ईजिली उसको निकाल लेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी। बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की भाई दोनों ही बाइक की। तो ये है हमारा वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स, यहाँ पर देख सकते हो ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों मिल जाएगा। डिजिटल में आपको वहाँ पे फ्यूल की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, गियर मिल जाएगा आपको, टाइम मिल जाएगा, स्पीड ओडोमीटर मिल जाएगा। ओडोमीटर में आपको ट्रिप चेंज करनी है तो यहाँ पे एक आई बटन दिया जाता है, उससे आप चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपकी स्पीड मिल जाएगी, यहाँ पे आपको बैटरी का इंडिकेटर, ABS का इंडिकेटर और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहीं पे ये रेस के जो RE के टिपिकल बटन्स आते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे एक हैजार्ड सिस्टम आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप उसे स्टार्ट करने के लिए ये सारे बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप उसका हाई बीम लो बीम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर बटन है, यहाँ पे एक टिपिकल सा हॉर्न है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। बात कर लेते हैं हमारे FJ की। तो FJ का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो भाई पहले सबसे पहले भाई हाई लिख देता है ये, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा ही डिजिटल है, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, जहाँ की टॉप स्पीड यहाँ पे आ जाएगी, रेंज आपकी कितनी है ट्रिप 1 ट्रिप A ट्रिप B सारी यहाँ पे आ जाएगी, गियर कौन सा है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, फ्यूल आपको यहाँ पे शो कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें बैटरी इंडिकेटर ABS फ्यूल सारी चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। तो ये इसका पूरा डिजिटल कंसोल है। अगर इसको यहाँ पे आपको कोई चीज़ भी चेंज करनी है तो यहाँ पे मोड और सेटिंग्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ के अगर मैं बटन्स की बात करूँ भाई, अगर मैं कहीं ना कहीं बटन्स की बात करूँ तो भाई RE से बेटर बटन्स इसमें दिए गए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। कहीं ना कहीं RE इन चीज़ों में कॉस्ट कटिंग कर लेता है, उन्हें भी सारी चीज़ें जैसे इन्होंने पूरा दिया गया है, मोड सेटिंग्स सारी चीज़ें लिखी हुई, उसमें सिर्फ एक बटन दिया गया, इसमें नहीं, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे वही हॉर्न है, हॉर्न इसका भी वैसे ही है बेसिक, वहीं पे इंडिकेटर बटन्स दिए गए हैं, वही यहाँ पे एक हज़ार्ड सिस्टम दिया गया है, और यहीं पे आप इसे स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया। यही बेसिकली सारी चीज़ें होती है, दोनों में सेम ही है, लेकिन हाँ वही बटन क्वालिटीज़ और बटन्स कितने सारे हैं वो सारी चीज़ें अलग होती है, और क्वालिटी की बात एक हो जाती है। लास्ट अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स की आवाज़ की। तो भाई आवाज़ सबसे पहले हम जावा 42 FJ की ही सुनेंगे। तो भाई आवाज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो मैं सबसे पहले आप सबको यही बताना चाहूँगा कि जो इसके DB क्लियर्स हैं वो निकले हुए हैं अभी, लेकिन जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें DB क्लियर नहीं निकले हुए थे, उसी दिन बाइक शोरूम पे हमें मिली थी, उस दिन DB क्लियर्स नहीं निकाले गए थे। अगर लोगों को लग रहा हो कि पहले आवाज़ ज़्यादा कम थी अब ज़्यादा है, तो ज़्यादा इसीलिए ताकि अब DB क्लियर्स निकाल दिए गए। एक बार स्टार्ट करके आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। तो भाई ये DB क्लियर्स निकलने की बात की आवाज़ है, तो एक बार सुन लो, ठीक है। तो पहले ही बता दे रहा हूँ, कहीं आप कमेंट करो कि भाई पहले आवाज़ कम थी अब ज़्यादा कैसे हो गई। वहीं कहीं ना कहीं इसकी बात कर लेते हैं, तो इसके कोई DB क्लियर्स नहीं निकले हुए हैं, और अब इसे स्टार्ट कर लेते हैं एक बार।
भाई इसकी आवाज़ पर्सनली तो मुझे भी पसंद नहीं है, पर्सनली तो भाई उसी की पसंद है भाई, ताकि उसमें ड्यूअल एग्जॉस्ट है भाई, ड्यूअल एग्जॉस्ट की बात ही कुछ और होती है। दोनों ही सिंगल सिलेंडर्स बाइक आपको मिल जाती हैं, प्राइस रेंज दोनों का ही डिफरेंस इन दोनों मॉडल्स में कहीं ना कहीं 50,000 का रहता है एक, ये कहीं ना कहीं ऑन रोड आपको 260 की पड़ती है और ये कहीं ना कहीं 210 की पड़ जाती है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सी लेनी है। अगर आप ले रहे हो तो भाई मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप जावा 42FJ ले रहे हो या फिर हंटर 350 ले रहे हो। माय पर्सनल ओपिनियन इज आप जावा 42FJ लो, ताकि भाई जब 350cc ले ही रहे हो तो भाई ड्यूअल एग्जॉस्ट का मजा क्यों ना लिया जाए। तो भाई मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से फिर यही रहेगी, और मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने कहा था ये बहुत अच्छी बाइक है। तो ये दोनों बाइक्स का हमारे थोड़ा सा एक स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा रिव्यू कर दिया है, और बहुत ही जल्दी ये वीडियो बनाई गई है ताकि भाई बाइक्स अवेलेबल नहीं होती शोरूम से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई ओवरऑल यही सब था, इसमें कोई चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ तो भाई उसके लिए मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बहुत सारे कमेंट्स कर देना जो भी पूछना हो। अगर अगर ये बाइक लेनी भी है और कहाँ से लेनी है, अगर आप दिल्ली NCR में हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कहाँ से लेनी है। चलो मैं एक शोरूम की डिटेल्स, दोनों ही शोरूम की डिटेल्स दे दूंगा, मेरा जाके वहाँ पे नाम लेना, उन्हें पता नहीं होगा मैं कौन हूँ, और वहाँ पे आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा अगर उनके पास अवेलेबल होगा। तो भाई यही था हमारा एक वीडियो जिसमें हमने दोनों ही बाइक्स को कवर कर लिया है। शोरूम की डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लेना, और कोई चीज़ हो तो मुझसे पूछ लेना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, नीचे मेरी आईडीज आ रही हैं दोनों की, और बाकी जितनी डिटेल्स होंगी, जितने वेरियंट्स होगी, जो प्राइस होगा, दोनों साइड में देख सकते हो, आ रहे होंगे दोनों ही बाइक्स के। तो अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में। यही थी हमारी आज की वीडियो, लास्ट की वीडियो जो हमारी ड्रैग रेस थी, KTM 390 एडवेंचर वर्सेस हिमालयन 450, उसे जाके प्यार दिखाओ, और जाओ 42FJ को तो दिखा ही चुके हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप राइडिंग सेफ राइडिंग, एंड वियर हेलमेट ऑलवेज, एंड आई सी यू गाइस सून, बाय।